एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1.7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें जो दो पॉइंट दे रखे हैं उनमें से एक है ए, मान लेते हैं कि बी ए पॉइंट ए है, इसके निर्देशांक है -1.7, और दूसरा पॉइंट है बी, मान लेते हैं उस बी दूसरा पॉइंट है, उसके निर्देशांक है 4, -3। इन दोनों को मिलाने वाला ये रेखाखंड हो गया है ए बी, और यहाँ पर एक पॉइंट पी है जो इसको ए बी रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमें बताना है जो पॉइंट पी है उसके निर्देशांक क्या हैं। उसको अगर मैं एक्स और वाई मान लेता हूँ तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम विभाजन सूत्र का यूज़ करेंगे, तो इसीलिए विभाजन इसीलिए का चिन्ह होता है, 3 पॉइंट डाल देते हैं, इसलिए विभाजन सूत्र से एक्स की वैल्यू आपको बताया था कैसे निकालना है, इधर वाले को इधर वाले से गुना करेंगे और इधर वाले को इधर वाले से गुना करेंगे। और क्योंकि हम एक्स निकाल रहे हैं मतलब पहले वाला निकाल रहे हैं, पहले वाला निर्देशांक, तो इसका भी पहले वाला यूज़ करेंगे और इसका भी पहले वाला यूज़ करेंगे। तो दो को किससे गुना करेंगे, पहला निकाल रहे हैं तो दो को पहले वाले से, यानी कि 2 को 4 से गुना करेंगे, फिर प्लस, फिर 3 को जो दूसरी रेशो है, दूसरा अनुपात है, उसको इसके पहले वाले से गुना करेंगे यानी कि -1 से। तो 3 गुना -1 और बटे में इन दोनों अनुपात को जोड़ देंगे, 2 जमा 3। तो इसको सॉल्व करके आएगा 2 चौके 8 और प्लस गुना माइनस होता है, और 3 गुना 1 3 और बटे 2 और 3 5। तो 8 में से 3 गए 5 बटे 5, 5 से 5 कट जाएगा, 5 एकम 5, तो 1 आ गया ये। और उसी तरीके से y निकालेंगे, अब फिर ऐसे ही करेंगे। अब 2 को 4 से गुना ना करते हुए, क्योंकि अब हमें दूसरे वाला निर्देशांक चाहिए, तो दूसरे वाला निर्देशांक चाहिए, तो इस 2 को दूसरे वाले से गुना करेंगे और ऐसे ही इस 3 को दूसरे वाले से गुना करेंगे, यानी क्या करेंगे, 2 गुना -3 और जमा 3 गुना 7 और बटे अनुपातों का योग 2 जमा 3। तो ये आ गया 2 गुना -3 -6 +7 = 21 बटे 5। अलग अलग चिन्ह हैं तो घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो 21 में से 6 माइनस करेंगे 15। चिन्ह वो लगता है जो बड़ी रकम के आगे होता है, तो 21 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो +5 5 से कट जाएगा, 5 * 3 = 15 यानी कि 3 आ गया। तो इसीलिए जो पी के निर्देशांक आ गए हैं, पी के निर्देशांक वो हमारे पास थे x, y और ये आ गए हैं हमारे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो ये इसका आंसर आ गया।